हाय एवरीवन, आज हम स्टडी करने वाले हैं बीएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर। और ये पेपर आपका है, फर्स्ट पेपर है अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। और ये स्पेशल वीडियो है डीडीयू, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय। ठीक है, तो ये अगर आप जिस भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हों तो मैटर नहीं करता, आप सिलेबस मैच करिए तो इस वीडियो को देखिए। ठीक है, बट ये स्पेशल वीडियो है डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ये बीएससी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर जो है आपका अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, तो इसमें हम पहले स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो भी बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ने जाता है उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बेसिक, उसे कुछ पता नहीं होता है। तो और वहाँ पर हम जाते हैं और पहले तो भी हिंदी मीडियम से हम इंग्लिश मीडियम में जाते हैं तो भी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, कुछ समझ में नहीं आता है अलजेब्रा, तो कुछ समझ में नहीं आता है क्या पढ़ाया जा रहा है। तो इसका रीज़न यही है कि बेसिक हमें पता नहीं होता है। तो सबसे पहले हम पहले बेसिक कवर करेंगे, बेसिक सारे चीज़ जो भी चीज़ें बेसिक में हैं सब मैं वहाँ पर पहले आपका कंसेप्ट क्लियर करूँगा। उसके बाद हम अपने आएंगे सेकेंड चैप्टर जो है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर। फर्स्ट चैप्टर हमारा इसमें जो है बेसिक ही है, इंट्रोडक्टरी कंसेप्ट। ठीक है, और हम बुक फॉलो कर रहे हैं आपका वंदना प्रकाशन जो बुक है उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो आप बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं तो वीडियो जरूर देखिए, और आपको कहीं प्रॉब्लम कुछ भी आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और चैनल पे आप अगर आप पहली बार आएँ तो प्लीज़ एएस टीच को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए हम आज शुरू करने वाले हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा में सबसे पहले हम बेसिक सेट से स्टार्ट करेंगे, एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे, कोई भी चीज़ छूटे ना, आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए, फिर हम डायरेक्ट अगर हम ग्रुप थ्री पढ़ाना शुरू करें तो बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझ में कुछ नहीं आएगी। हम पढ़ा तो देंगे पर आप समझ में नहीं आएंगे, वही है कि आप उसको पढ़ोगे, रटोगे, फिर एग्जाम में जाओगे, लिख के चले आओगे, कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो सबसे पहले आप बेसिक आपको अच्छे से आना चाहिए, तो शुरू करते हैं आज से हम पहले बेसिक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले हम शुरू करेंगे नंबर्स के बारे में जानेंगे। नंबर्स के बारे में सबसे पहले आपका आता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। और ये कहाँ से कहाँ स्टार्ट होते हैं, वन से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 7। तो ये आपका पहला नंबर क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। सेकेंड इसमें आता है आपका ये कैपिटल जेड है जिसको हम बोलते हैं द सेट ऑफ ऑल इंटीजर। ठीक है, इंटीजर में कौन कौन से नंबर, पहले हमें पता ही नहीं होता ये जेड इंटीजर क्या है। तो इंटीजर में क्या होता है, आपको 0, +1, +2 एंड +∞, -1, -2, -3 एंड -∞। ये नंबर जो होते हैं ये इंटीजर होते हैं। ठीक है, आगे आते हैं, इसमें देखते हैं क्यू, क्यू को हम बोलते हैं द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू से। और क्या होते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर का डिफिनेशन क्या है, वो पी वाई क्यू का फॉर्म होगा, क्यू जीरो नहीं होगा, और जो पी क्यू होता है वो हमेशा हम जेड से यानी सेट ऑफ इंटीजर से लेते हैं। जैसे आपको एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो 2/3 ये आपका रेशनल नंबर है, -4/5, -7/8 ये भी क्या आपका रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये आपका सबसे पहले आपका नेचुरल नंबर, उसके बाद सेट ऑफ इंटीजर जो +-1, +0, +-1, +-2 ऐसे -±∞ तक होता है। तीसरा आपका सेट ऑफ रेशनल नंबर है जो आपको ये पते होने चाहिए। आगे देखते हैं इसमें, तो आगे आता है आपका जेड प्लस। जेड प्लस क्या होता है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, जिसको हम कहते हैं नोटेशन क्या होता है इसका जेड प्लस। इसमें कौन से नंबर आते हैं, 0, +1, +2 एंड 7। नेक्स्ट आपका आता है कैपिटल आर, इसको हम बोलते हैं द सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है,
रियल नंबर, यहाँ पर देखिए रियल लाइन आपके यहाँ दर्शाया गया है, 0 प्लस 1 प्लस 2 एंड प्लस इन्फिनिटी, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस इन्फिनिटी। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है सी, कैपिटल सी, इसको हम बोलते हैं द सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। वो क्या होता है, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयटा बी के फॉर्म का होता है। ए को हम बोलते हैं रियल पार्ट और बी को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। ए और बी दोनों क्या होते हैं, रियल होते हैं। एग्जाम्पल 2 प्लस 3 आयटा, रूट 3 प्लस 3 आयटा, ठीक है। तो आपको अगर ये कम्प्लेक्स नंबर के बारे में नहीं पता है तो बहुत प्रॉब्लम होगा आपको ग्रुप थ्योरी में, आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी प्रॉब्लम होगा। अब आते हैं क्यू कॉम्प्लीमेंट। क्यू कॉम्प्लीमेंट को बोलते हैं सेट ऑफ इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं इसको, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। ये क्या होता है, आर माइनस क्यू जो होता है वही होता है आपका सेट ऑफ इरेशनल नंबर होता है। एग्जाम्पल रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, पाई। आप क्लास टेंथ में पूरी प्रूफ किए होंगे कि रूट 3 अपरिमेय संख्या है, रूट 3, रूट 5 सब प्रूफ किया होगा अपरिमेय संख्या है। तो ये आप इसको आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, सब नंबर्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि कब कहाँ यूज हो जाए कुछ पता नहीं, ठीक है। तो ये रहे आपके नंबर। अब हम शुरू करेंगे सबसे पहले अपना डिफिनेशन जो है वो क्या है आपका, सेट्स किसे कहते हैं, व्हाट इज सेट्स, जिसे हिंदी में हम समुच्चय भी बोलते हैं, पढ़ा होगा आप इलेवेंथ में, ठीक है। तो आइए देखते हैं डिफिनेशन क्या है, देखते हैं क्या होता है सेट्स। बेसिक में हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं सेट्स, ठीक है। अभी हमने पढ़ा नंबर्स के बारे में, अब हम शुरू कर रहे हैं सेट किसे कहते हैं, सेट्स की डिफिनेशन देखते हैं क्या होता है, उसके बाद हम उसको आगे हम एक्सप्लेन करते हैं। तो क्या होता है सेट का डिफिनेशन, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। डिफिनेशन यही है, द सेट डिफिनेशन क्या है, अ सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर बात होती है कलेक्शन, कलेक्शन का मतलब क्या होता है, कलेक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को इकट्ठा करना, क्या चीज़, किसी भी वस्तु या चीज़ को इकट्ठा करना, कलेक्शन का मतलब होता है इकट्ठा करना। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आपका आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि आप जो भी चीज़ें आपके सामने आसपास दिख रही हैं, जिसको आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो होते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे आप जिस रूम में जहाँ भी बैठे हैं वहाँ पर आप जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, टीवी, फैन, अलमारी, जो भी चीज़ें दिख रही हैं, वो आप उसको टच कर सकते हैं, वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। मैथ की भाषा में ऑब्जेक्ट होते हैं नंबर होते हैं, नंबर्स होते हैं एंड वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। मैथ की भाषा में ये नंबर्स और हम वेरिएबल होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। अब बात जैसे अल्फ़ाबेट भी हो गया आपका, इसमें अब अल्फ़ाबेट भी आ जाएगा, वो भी वेरिएबल ही है। तो अल्फ़ाबेट जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या है, वो एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा मैथ की भाषा में, और नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं हम वेल डिफाइंड का मतलब क्या, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, वेल डिफाइंड का मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए कि जो भी दुनिया में चीज़ें हैं, जो भी पूरे वर्ल्ड में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो केवल एक हैं। जैसे हम बात करते हैं कि मैंने आपसे पूछा कि आपके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो आपका ऑब्वियस है उत्तर होगा नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो ये एक ही है, पूरे भारत में प्राइम मिनिस्टर जो है एक ही है, ठीक है। तो ये एक अपने आप में वेल डिफाइंड है। बात करते हैं हम अभी हम आपसे पूछें कि यूएस के राष्ट्रपति कौन है, तो आप भी ऑब्वियस है वेल डिफाइंड है, आप ट्रंप का नाम लेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि सबका जो पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो, सेम हो, तभी हम कहेंगे वो चीज़ें क्या हैं, वेल डिफाइंड है। अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू सेम नहीं है तो वो वेल डिफाइंड नहीं है। अगर वो वेल डिफाइंड नहीं है तो आप उसको सेट में नहीं रख सकते। वेल डिफाइंड वे चीज़ होती हैं जो पूरी दुनिया में एक माना जाता हो, पूरी दुनिया में हर कोई एक चीज़ के बारे में सोचता हो, वही होता है वेल डिफाइंड। जैसे हम बात करते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट वावेल की बात करते हैं,
वावेल में आपके फाइप होते हैं, ए आई ओ यू ई, आप फाइप होते हैं। आप इंडिया में किससे पूछेंगे कि इंग्लिश अल्फाबेट वावेल क्या है, तो सबको यही बताया। आप चाइना में जाओ, यूएस में जाओ, कहीं किसी भी कंट्री में जाओगे, इंग्लिश अल्फाबेट की बात करोगे तो सबका आंसर एक ही होगा, तो वो वेल डिफाइंड है। ठीक है, जैसे आपका प्राइम मिनिस्टर का मैंने अब एग्जाम्पल दी। अब एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे हम मैंने आपसे पूछा कि आपको मैथ कौन पढ़ाता है, ठीक है, आपके मैथ टीचर कौन है, तो ऑब्वियस है जो मुझसे पढ़ता होगा, जिसको मैं मैथ पढ़ाता हूँ, वो मेरा नाम लेगा, ए एस टी से नाम लेगा, मैं ए एस टी से मैथ पढ़ता हूँ, तो वो मेरा नाम लेगा। अगर वही चीज़ें हैं, हम आप जाके हम वही क्वेश्चन अगर यूएस में पूछें तो वो उनको कोई और मैथ पढ़ाता होगा, तो ए एस टी इज नॉट वेल डिफाइंड पर्सन। हम वेल डिफाइंड पर्सन नहीं हैं, क्योंकि हम अपने जहाँ पढ़ाते हैं बस उन्हीं को, तो वही लोग हमें जानते हैं, वही उन्हीं को स्टूडेंट को मैं मैथ पढ़ाता हूँ। बट अगर यूएस में अगर कंट्री कहीं जा के पूछोगे तो जो अलग अलग सब लोग अपनी अपनी थिंकिंग अलग बताएंगे, तो ये पॉइंट ऑफ व्यू जो है सेम नहीं है सबका, मैथ के लिए, मैथ टीचर के लिए पॉइंट ऑफ व्यू सबका सेम नहीं आएगा। तो ये हम ए एस टीज क्या है, मैथ के लिए, मैथ टीचर के लिए वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि बस उन्हीं लोगों को हम पढ़ाते हैं, उन्हीं के जिसको हम पढ़ाते हैं वही तो हमें जानता है, पूरे यूएस में थोड़ी ना हमें कोई जानता है। ठीक है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो आप वेल उम्मीद है आपको वेल डिफाइंड का कंसेप्ट जो है पता चल गया होगा। ठीक है, तो और हम एग्जाम्पल करते हैं, देखते हैं और एग्जाम्पल, आइए देखते हैं सेट के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैंने डिफ्यूजन क्या बताया, अ सेट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो आपको वेल डिफाइंड का मतलब समझ में आ गया होगा, कलेक्शन का मतलब समझ में आ गया, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, कह रहा है द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन है, क्या ये सेट है कि नहीं है। सेट होने के लिए पहले वेल डिफाइंड होना चाहिए, और वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, सबका पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो, सेम हो, वो यूनिक हो, पूरे वर्ल्ड में वो यूनिक हो, तभी वो सेट में आएगा। सबकी थिंकिंग क्या हो इसके प्रति सेम होनी चाहिए। अब बात करते हैं द कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ 10 नेचुरल नंबर की बात करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आपका आएगा, पक्का है, सबको पता है। अगर ये इंडिया में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका भी जवाब यही होगा। अगर हम यह यूएस में पूछें, जाके हम इसको चाइना में पूछें, किसी भी कंट्री में जाके पूछते हैं, पूरे वर्ल्ड में जाके पूछते हैं किसी से भी कि कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर क्या है, तो सबका जो पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आंसर क्या आएगा, यही आएगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आएगा। इसका मतलब ये वेल डिफाइंड है, क्या है, वेल डिफाइंड है, इसका मतलब ये सेट है। ठीक है, तो वेल डिफाइंड का मतलब समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं द कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर की, अभी मैंने नंबर्स के बारे में बताया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में आप यहां पूछो कहीं पूछो, सबका जवाब यही स्टार्ट होगा कि 1 से स्टार्ट जो नंबर होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक, वो क्या होते हैं, आपका नेचुरल नंबर होते हैं, ये एक सेट है। तो आप ये यहाँ पूछो, किसी से पूछ, देख लो सबका पॉइंट ऑफ व्यू जो है क्या है, सेम है। नेक्स्ट आता है, अभी मैंने एग्जांपल दिया द कलेक्शन ऑफ वावेल, वावेल कितने होते हैं, ए ई आई ओ यू, 5 वावेल होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के। आप ये मुझसे पूछोगे तो यही जवाब होगा, आपसे पूछें तो यही जवाब होगा, मतलब वो चीज़ें जो है क्या है, वेल डिफाइंड है। ये अमेरिका में जाके पूछोगे तभी बताए, कोई छोटा बच्चा भी बताएगा कि वावेल 5 ही, तो ये वेल डिफाइंड है, इसका मतलब ये सेट है, सेट में इसको हम रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 20 टू 30, मतलब 20 और 30 के बीच में नेचुरल नंबर का कलेक्शन क्या सेट होगा कि नहीं होगा, तो ऑब्वियस है 21 बीच में बोल रहा है, मतलब इन दोनों को नहीं लेना है, 21 से लेके 29 तक यही नंबर होंगे इस सेट में, तो ऑब्वियस है ये वेल डिफाइंड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेल डिफाइंड है, ये आप किसी से पूछो इसका आंसर वही होगा, तो ये सेट में हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर 5 नंबर द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, देखो ये भी कलेक्शन किया गया है, लेकिन यहाँ पे देखिए 2 दो बार आया हुआ है, 3 दो बार आया हुआ है, तो ये सेट नहीं है, क्योंकि सेट में जो एलिमेंट होते हैं
कभी रिपीट नहीं होते हैं। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होता है, मैंने डिफिनेशन भी लिखवाया था, अ सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर तो डिस्टिंक्ट नहीं है। अगर हम आपसे किसी और से पूछोगे तो ये रिपीट नहीं करेगा, ये रिपीट नहीं बताएगा, वो केवल एक एलिमेंट रखेगा, यहाँ पर टू रखेगा, यहाँ पर थ्री रखेगा, लेकिन हमने यहाँ पर रिपीट रखा है तो इसका मतलब ये सेट नहीं आएगा, सेट इसका नहीं बन सकता। और एग्जाम्पल और देखते हैं, आइए देखते हैं और एग्जाम्पल, तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल एक और देखते हैं सेट पे। कह रहा है आपको, ये पूछा जा रहा है कि क्या ये जो सेट इसका बन सकता है कि नहीं बन सकता है। क्या बोला गया है, अ टीम ऑफ थ्री बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड, आपको ऐसा सेट बनाना है जो पूरे वर्ल्ड में तीन सबसे अच्छे बल्लेबाज हों, तीन सबसे अच्छे बल्लेबाज का आपका सेट बनाना है। तो अगर हम मुझसे पूछोगे तो मैं लूंगा पहले सचिन का नाम, उसके बाद रिकी पोंटिंग का नाम, ठीक है, उसके बाद हम ब्रायन लारा का नाम लूंगा, मैं ये तीन लोगों का नाम लेता हूं, तो ये मेरे अकॉर्डिंग तो मैं अपना रखा। अभी मैं किसी और से पूछूं तो क्या बताएगा, वो कोई कहेगा कि सहवाग, ठीक है, कोई बोलेगा रोहित शर्मा, हाँ कोई बोलेगा विराट कोहली, ये दूसरा दूसरे स्टूडेंट की च्वाइस हो गई, ये मेरा था, किसी ने दो तीन और बता दिया, किसी ने कहेगा कि वो संगकारा, कोई बोलेगा कि जसूरिया, कोई बोलेगा कुछ और, ठीक है। तो ये इसका वेल डिफाइन नहीं है, क्योंकि सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है, सोचना इसके बारे में सबकी जो थिंकिंग है वो अलग अलग है, पॉइंट ऑफ व्यू इसका सेम नहीं है। मैं बता रहा हूँ सचिन, रिकी पोंटिंग, ब्रायन लारा, अब कोई और बता रहा है सहवाग, रोहित शर्मा, विराट कोहली, इसका मतलब ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसका मतलब ये सेट नहीं होगा। तो जिसके बारे में जिसका सबका पॉइंट ऑफ व्यू सेम हो वही सेट में हो सकता है, अन्यथा वो सेट नहीं हो सकता है। अभी आप जितने नंबर्स पढ़े वो सारे सेट होंगे, क्योंकि सबका देखिए पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, अलग अलग है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इंटीजर में कुछ और दे रखा है, रियल नंबर कुछ और होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ और होता है, आपका इरेशनल नंबर वो कुछ और नंबर्स होते हैं। तो देखिए ध्यान से देखिए, सब सेट बनाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको सेट के डिफिनीशन समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, वो भी मैंने अच्छे से करवा दिया, और हम एग्जाम्पल लेते हैं, हमें सेट बनाना है कि बेस्ट राइटर ऑफ इंडिया, बेस्ट राइटर ऑफ इंडिया का आपको सेट बनाना है। तो कैसे पता कर सकते हो वेल डिफाइंड, तीन वेल डिफाइंड राइटर कितने हैं, हम अगर बताते हैं, अगर पांच हम बात कर, सपोज हम कहें कि पांच आप इंडिया के बेस्ट राइटर के नाम बताओ, उनका सेट बनाना है, तो मैं कुछ और बताऊंगा, हो सकता है कोई और कुछ और बताए, तो वे वेल डिफाइंड नहीं है, वो कलेक्शन नहीं है। अब बात करते हैं इंडिया, द सेट आप बनाना होगा इंडिया रिवर के नाम बताओ, तो हो सकता है, क्योंकि जो भी भारत की नदियाँ हैं वो वेल डिफाइंड हैं, ठीक है, सबको पता है वही है, और कोई नहीं हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम इवेंट नंबर की, बात करें इवेंट नंबर किसे कहते हैं, जो टू से डिवाइड होता है, टू से डिवाइड होता है, टू इवेंट नंबर क्या आएंगे, टू फोर सिक्स एट आएंगे, वे वेल डिफाइंड है, वो मुझसे पूछोगे तो मैं भी वही बताऊंगा, दस लोगों से पूछो जाके इवेंट नंबर, जो भी स्टूडेंट है उससे पूछोगे वह भी वही बताएगा, टू फोर सिक्स एट नाइन, टू फोर सिक्स एट टेन, वही बताएगा। तो जिस भी के बारे में सबका पॉइंट ऑफ व्यू सेम हो वो सेट में आ सकता है, अगर पॉइंट ऑफ व्यू सेम ना हो तो सेट में नहीं आएगा। तो अब हमने पढ़ा अभी सेट के डिफिनीशन और एग्जांपल्स, उम्मीद है आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे कुछ पॉइंट पढ़ते हैं सेट के बारे में। अब हम बात करेंगे कि सेट को हम कैसे डिनोट करते हैं, सेट के एलिमेंट कैसे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं सेट को हम डिनोट कैसे करते हैं, ऑलवेज कैपिटल लेटर ए बी सी डी एंड जेड तक, कभी भी सेट को डिनोट करना हो तो इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करना, ठीक है। सेकंड पॉइंट इसमें क्या आता है, जो सेट के एलिमेंट होते हैं वो इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं, जैसे मतलब स्मॉल लेटर होते हैं, द एलिमेंट ऑफ सेट आर स्मॉल, रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल लेटर इंग्लिश अल्फाबेट ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ठीक है। तो बात करते हैं सेट के नोटेशन की, तो हमेशा हम कैपिटल लेटर से, जैसे अभी हम बात एग्जांपल ले लेते हैं,
इंग्लिश अल्फाबेट का बात करते हैं कि इसे इंग्लिश अल्फाबेट का सेट बनाया तो उसको हम डिनोट करेंगे किससे, कैपिटल, कोई भी आप ले लो कैपिटल, ए टू जेड कोई भी लेटर, हमने कैपिटल भी ले लिया। तो ये देखिए ये आपका सेट के एलिमेंट हो गए स्मॉल लेटर, इसका नोटेशन क्या हो गया कैपिटल लेटर। बहुत बेसिक चीज़ बता रहे हैं जो आपको बहुत पहले पता होनी चाहिए, 11th 12th में पता होनी चाहिए। तो सेट में जो एलिमेंट होते हैं उसके अंदर वो स्मॉल लेटर होते हैं और उनका नोटेशन होता है कैपिटल, हम कैपिटल लेटर से, इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से हम उसको डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं कुछ पॉइंट्स। अब आगे देखते हैं कुछ सैम्बल्स के बारे में देखते हैं, इसका मतलब क्या होता है। बार बार आपने देखा होगा अपने बुक में इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब होता है बिलोंग। इसको क्या कहते हैं, हम बिलोंग कहते हैं, बिलोंग। अब देखिए कैसे, मान लो सपोज हमारे पास इफ ए इज एलिमेंट, ए इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो उसको हम कैसे करेंगे, इसका बिलोंग का यूज कैसे करते हैं। तो इसका मतलब हो गया इफ ए इज एलिमेंट ऑफ ए, तो इसको हम पढ़ते कैसे हैं, रीड एज ए बिलोंग टू कैपिटल ए सेट ए। अब मैथ की भाषा में इसको लिखते कैसे हैं, स्मॉल ए बिलोंग टू कैपिटल ए। तो बिलोंग का मतलब होता है कि स्मॉल ए जो है इस सेट ए के अंदर आ रहा है। जैसे मतलब यहाँ पर हम दूसरा देखते हैं, इसका मतलब होता है कि डज नॉट बिलोंग। क्या होता है इसका मतलब, डज नॉट बिलोंग। बहुत बेसिक चीज़ से हमने स्टार्ट किया हुआ है, ये सब चीज़ें आपको पहले पता होनी चाहिए, बट कोई नहीं, हम स्टार्ट किए हैं तो करेंगे। आगे देखते हैं इसमें, अब देखिए इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग। जैसे मान लो हम बात करते हैं इफ बी इज नॉट एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ बी, स्मॉल बी जो है कैपिटल बी का एलिमेंट नहीं है, तो क्या कहेंगे, बी डज नॉट बिलोंग टू सेट कैपिटल बी, स्मॉल जो बी है इस सेट के अंदर नहीं आ रहा है। पढ़ते कैसे हैं इसको, कैसे अपने पढ़ते कैसे हैं इसको, बी डज नॉट बिलोंग टू कैपिटल बी। तो समझ में आ गया होगा आपको बिलोंग और डज नॉट बिलोंग का मतलब क्या होता है, कि अगर कोई सेट के अंदर कोई एलिमेंट है तो उसको हम कहेंगे बिलोंग। कैसे लिख पढ़ते कहते हैं, ए बिलोंग टू ए, और लिखते कैसे हैं, ए बिलोंग टू ए कैपिटल ए। अब नेक्स्ट इसमें क्या है, डज नॉट बिलोंग, इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग, डज नॉट बिलोंग। इफ ए इज नॉट बिलोंग टू ऑफ बी, तो ऐसे करेंगे, अब पढ़ते कैसे, बी डज नॉट बिलोंग टू बी। ठीक है, तो ये रहा आपका सैम्पल। चलिए इस पर हम एग्जाम्पल लेके आप, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसमें क्या है। द सेट कैपिटल भी ऑफ वावेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, ओके। तो आपको सेट जो बी कैपिटल बी है वो इंग्लिश अल्फाबेट का क्या है, सेट है, तो इंग्लिश वावेल का। तो वावेल कौन से आते हैं, ए ई आई ओ यू आता है। तो देखिए ए सेट के बी के अंदर आ रहा है, ई बी के अंदर आ रहा है, आई भी सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है, ओ भी सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है, और यू भी सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है। लेकिन अगर बात करें बी वावेल है, वावेल नहीं है, तो बी डज नॉट बिलोंग टू कैपिटल बी। तो उम्मीद है आपको ये बिलोंग और डज नॉट बिलोंग का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे कि सेट को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, सेट को हम कैसे डिनोट करते हैं, लिखते कैसे हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। यही सब बेसिक चीज़ें आपको पता नहीं होती हैं तो आगे बीएससी पार्ट वन में तो कैसे पास हो जाओगे, सेकेंड ईयर प्रॉब्लम, थर्ड ईयर प्रॉब्लम, ठीक है, तो प्रॉब्लम होने लगता है। तो इसलिए आप, मैं इसको पहले जो बेसिक को अच्छे से इसको कंसेप्ट अपना अच्छा क्लियर कर लीजिए, तब हम आगे स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टी या आप इंटीजर जो भी आपका है, ग्रुप थ्योरी है, हाँ जो भी है, वो हम सेल वाइज कन्वाइज करेंगे। पहले बेसिक अपना आप अच्छे से कर लीजिए। तो सबसे पहले इसमें आता है आपका, आगे नेक्स्ट आता है रिप्रेजेंटिंग, रिप्रेजेंटिंग ऑफ सेट। सेट को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, आपके बुक में चैप्टर वन ये है इंट्रोडक्टरी टू कंसेप्ट, उसमें सारी चीज़ें दी हुई है, लेकिन बहुत कम शब्दों में लिखा गया है, लिखा कम गया, उसमें इतना एक्सप्लेनेशन नहीं किया गया। उसमें आप बुक उठा के देखिए, उसमें आपका जो भी वंदना प्रकाशन का बुक है उसमें उठा के देखिए, तो उसमें आपका ये मिलेगा
लेकिन उसमें कम चीज़ों में जल्दी समाप्त कर दिया गया है। तो इसमें दो प्रकार के होते हैं सेट। पहला होता है आपका रिप्रेजेंट करने का रोस्टर फॉर्म। क्या होता है? रोस्टर फॉर्म पहला इसमें आता है आपका। और किसी सेट को डिनोट करना है तो रोस्टर फॉर्म से हम डिनोट कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं करते हैं, सेट के सेट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से और उसके एलिमेंट को कामा लगा के हम इनक्लोज ब्रैकेट में ऐसे लिख देते हैं। जैसे मैं अभी आपको एग्जाम्पल से करवाता हूँ। देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट इसमें क्या है, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर डिवाइड 42। आपको रोस्टर फॉर्म में सेट के इसको लिखना है रोस्टर फॉर्म में कि 42 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से नेचुरल नंबर हैं। तो पहले आपको इसको डिवाइड करके चेक करिए कि इसको डिवाइड करने वाले नंबर कौन कौन से हैं। 1 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है, 3 डिवाइड करता है, 6 डिवाइड करता है, 7 डिवाइड करता है, 14 डिवाइड करता है, 21 डिवाइड करता है और 42 डिवाइड करता है। ये नंबर आपको इसको डिवाइड करते हैं। तो इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, देखिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो भी कैपिटल ए टू जेड आप कोई भी कैपिटल लेटर ले लीजिए। तो चलिए हम बी ले लेते हैं। तो इसको इस क्वेश्चन को अगर हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 42 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से नंबर हैं। 1 मैंने क्या बताया कि रोस्टर फॉर्म को कामा लगा के इनक्लोज ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो 1 कामा 2 डिवाइड करता है, 3 डिवाइड करता है, 6 डिवाइड करता है, 7 डिवाइड करता है, 14 डिवाइड करता है, 21 डिवाइड करता है और 42 डिवाइड करता है। तो ये रहा आपका आंसर हो गया इसका, रोस्टर फॉर्म में ये हो गया, लिख दिया मैंने सेट। अगर आपसे कोई पूछता है कि सेट बनाओ द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर डिवाइड 42, तो आपको रोस्टर फॉर्म में कोई भी कैपिटल लेटर से आप लिख सकते हैं ए नंबर। अब देखिए आप ये सेट है, बिल्कुल है, क्योंकि सारे वेल डिफाइंड है। किसी से भी पूछो सबका पॉइंट ऑफ व्यू क्या आएगा, सेम आएगा, एक थिंकिंग आएगी सबकी, हाँ कि 42 को डिवाइड करने वाले यही नंबर है और कोई नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये वेल डिफाइंड है इसलिए सेट में तो आएगा ही आएगा। नेक्स्ट अदर एग्जाम्पल देखते हैं, द सेट ऑफ वावेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो इनका आप सेट बनाना है, कह रहा है द सेट, बताइए कि ये सेट है और है तो बनाइए रोस्टर फॉर्म में। तो सबसे पहले आप कैपिटल भी कोई भी ले सकते हैं ए टू जेड कैपिटल लेटर से। ठीक है, तो वावेल कौन कौन से होते हैं इंग्लिश में, सबको पता है ए ई आई। देखिए मैंने क्या बताया कि रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए कामा लगाइए एलिमेंट को, क्लोज ब्रैकेट में रख दीजिए। तो ए आई ई ओ यू 5 होते हैं, हो गया आपका आंसर सेट में, ये नोटेशन हो गया। ठीक है, तो ये रहा आपका रोस्टर फॉर्म शॉर्ट नोटेशन में। तो आपको ये पता होनी चाहिए चीज़ें, क्योंकि वहाँ पर कोई भी टीचर वहाँ पर आपको जाओगे बेसिक पार्ट 1 में तो कोई ये सब चीज़ें नहीं बताता है, आपको तो पता रहता नहीं है सब चीज़ें। आप हिंदी मीडियम से पढ़ के जाते हो बेसिक करने में, आपको समझ में नहीं आता है। तो इससे अच्छी बात है बेसिक से स्टार्ट किया हमने, चलिए पढ़ते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए देखते हैं सेकेंड जो हमारा नोटेशन क्या है, सेट ऑफ वोल्डर फॉर्म कैसे डिनोट करते हैं। सेकेंड हमारा आता है सेट ऑफ वोल्डर फॉर्म, मतलब सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, दो मेथड होते हैं। एक तो होता है आपका सेट ऑफ रोस्टर फॉर्म एंड नोटेशन, दूसरा होता है वोल्डर फॉर्म में। आप देखा होगा क्वेश्चन यक्स सच दैट कुछ ऐसा करके दिया होगा। तो आपको इसमें कैसे इसको नोटेशन कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, जैसे एग्जाम्पल से हम करते हैं, चलिए हम एग्जाम्पल से करके आपको समझाने का। सिंगल एक इंग्लिश स्मॉल लेटर के इंग्लिश वेरिएबल से हम इसको डिनोट करते हैं। देखिए जैसे मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन करता हूँ, द सेट ऑफ ऑल वावेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। ओके, इसको आपको अभी हमने अभी लिखा था अभी इसको रोस्टर फॉर्म में, बट अगर इसको हम बात करते हैं वोल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वोल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले चीज क्या करेंगे, कैपिटल लेटर कोई भी चूज कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद यहां स्मॉल लेटर का वेरिएबल जैसे आपको देखने को मिलेगा एक्स,
यक्स सच डैट, इसको बोलते हैं यक्स सच डैट, यक्स इज, बस वही लिख देते हैं, यक्स इज अ वावेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। तो हो गया, इसका आंसर हो गया, एक सिंगल हम वेरिएबल से कोई भी, मैंने यहाँ पे एक्स लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं, आपके क्वेश्चन में मिलेगा इस तरह का देखने को मिलेगा। तो इसको हम देखिए, ये तो हमने लिख दिया कि अभी हमने इसका रोस्टर फॉर्म में लिखा था, अभी हमने इसको सेटअप बुल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं, यक्स सच डेट, कैसे पढ़ते कैसे हैं इसको, यक्स सच डेट, यक्स इज अ वावेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, इसको पढ़ने का तरीका कैसे है, चलिए वही लिख देते हैं यहाँ पर। पढ़ने का तरीका क्या है, द सेट ऑफ आल यक्स, द सेट ऑफ आल यक्स सच डैट यक्स इज इंग्लिश वावेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये आपका नोटेशन है सेट ऑफ वर्ल्डर फॉर्म में कैसे डिनोट करते हैं। जैसे मैं एक और यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखता हूँ, सेट कोई यक्स गिवेन है, यस पी आर कामा आई एन सी एल, ये लिखा गया है, कोई वर्ड इंग्लिश अल्फाबेट लिखा हुआ है। अब ध्यान रहे कभी भी सेट के अंदर रिपीट एलिमेंट नहीं होते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम वोल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैंने क्या बताया कि आपको क्या लिखना है, यक्स लिखना है, कोई भी एक सिंगल वेरिएबल ले लीजिए, ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट से यक्स ले लेते हैं यहाँ पर, यक्स। अब ये है क्या, यक्स इज अ लेटर, लेटर ऑफ द वर्ड्स, क्या है ये, प्रिंसिपल है, क्या है, प्रिंसिपल, पी आर आई, ठीक है, प्रिंसिपल, ये आपका हो जाएगा। ये देखिए ये वोल्डर फॉर्म में है, ये आपका रोस्टर फॉर्म में था, क्यों यहां एक आई क्यों था, इस प्रिंसिपल की स्पेलिंग में तो दो आई आता है, बट सेट ऑफ रोस्टर फॉर्म में एक ही लिखेंगे, क्योंकि सेट में कभी एलिमेंट रिपीट नहीं होते हैं, दोबारा नहीं लिखते हैं। तो ये रहा आपका सेट ऑफ वोल्डर फॉर्म का नोटेशन, क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, एक्स सच डेट एक्स इज जो इसमें पूछा गया वही लिख देते हैं, नोटेशन यही है, सिंगल एक एलिमेंट से हम इसको डिनोट करते हैं। अब देखिए हमने इसको एक में लिख दिया प्रिंसिपल, अब बोल दिया कि ये इंग्लिश वर्ड है, ठीक है, ये लेटर है, ठीक है। तो ये रहा आपका सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और इसके कैसे इसके एलिमेंट को हम दिखाते हैं, मतलब रोस्टर फॉर्म में वोल्डर फॉर्म में, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आपको ये बदबसे में नहीं बताना चाहिए, बट मैं ये बता रहा हूँ ताकि आपको पता हो जाए सब चीज़ें। अब हम अगला नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं क्या है, आगे देख, अब देखेंगे हम एम्प्टी सेट क्या होता है, बहुत नाम सुना होगा आप, द एम्प्टी सेट किसे कहते हैं, एम्प्टी सेट, ठीक है, कैसे कहते हैं, एक ऐसा कोई सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो वो होता है एम्प्टी सेट। डिफिनेशन क्या होता है देखिए, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट आर द, इसको एम्प्टी सेट का एक और भी नाम क्या है आपका, नल सेट, इसको ये भी बोलते हैं आपका द अवॉइड सेट, क्या बोलते हैं, अवॉइड सेट, अवॉइड सेट भी बोलते हैं। तो ठीक है, इसका नोटेशन क्या है, इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई, कैसे, फाई, जो उसको फिजिक्स में पढ़ा होगा ये फाई, इसको बोलते हैं इम्पटिव सेट, क्या बोलते हैं इसको, इम्पटिव सेट बोलते हैं, ठीक है। और यहां से आप देखेंगे इम्पटिव सेट, या इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको यहां पर दिखाता हूं जिससे आपको ये डिफिनेशन क्लियर हो जाए। जैसे लेट कैपिटल ए इजकल टू यक्स सच डैट वन लेस देन यक्स लेस देन टू, यक्स इज नेचुरल नंबर, कह रहा है कि ये सेट, देखिए वोल्डर फॉर्म में डिफाइंड है, यक्स जो है कह रहा है कि नेचुरल नंबर होगा, कहाँ से है, वन से बड़ा है और दो से छोटा है। अब देखिए रियल लाइन पे देखिए आप, ये जीरो होता है, ये वन होता है, ये टू होता है,
तो इसके इसके बीच में नेचुरल नंबर कहाँ से आ गए? नेचुरल नंबर आपके कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 से स्टार्ट होते हैं ना, पहले ही देखे हमने बताया था नेचुरल नंबर के बारे में। तो क्या इसके नेचुरल नंबर मिलेंगे इसके अंदर? 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर मिलेगा? आपको ये 1/2 मिलेगा, हाँ 1/2 मिल सकता है आपको, पॉइंट में मिलेंगे, रेशनल नंबर मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ से क्या होगा, ए इज इम्प्टी हो जाएगा, क्योंकि ए इज इम्प्टी सेट बिकॉज देयर इज नो नेचुरल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। आपको देख सकते हैं 1 और 2 के बीच में नेचुरल नंबर नहीं मिलेंगे। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 से स्टार्ट होते हैं और इन्फाइनाइट तक होते हैं। तो ये क्या है, सेट क्या है? ये आपका इम्प्टी सेट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप यहाँ पे, कैपिटल बी इज इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 एंड एक्स इज रेशनल नंबर। क्या है? रेशनल नंबर। अब आपको ये सेट बी के बारे में पूछा जा रहा है कि क्या ये क्या होगा, सेट बी आपका क्या आएगा? तो इसको सॉल्व करिए, इस इक्वेशन को आप सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 को सॉल्व करिए। तो जब सॉल्व करोगे तो ये √2 आ जाएगा। तो अब इसमें क्या कहा गया है, एक्स रेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर किसे कहते हैं? जो पी बाई क्यू के फॉर्म के होते हैं, जैसे 1/2 हो गया, 2/3 हो गया, ठीक है। रूट संख्या क्या होता है? इरेशनल होता है। अभी मैंने बताया था, पहले ही बताया मैंने, इसलिए पहले नंबर्स के बारे में बताया ताकि आपको कोई भी चीज़ें मिसिंग ना हो, आपको एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले आप उसको देख के चलिए शुरू से, स्टार्टिंग से। तो √2 आपका क्या है? इरेशनल नंबर है। तो ऑब्वियस है कि बी के सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होंगे, बी क्या है? इम्प्टी सेट है, ठीक है। तो ये रहा आपका इम्प्टी सेट का कंसेप्ट, डिफिनेशन और उस पर एग्जाम्पल।